महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय कीटाणुजन्य रोग नियंत्रण द्वारा हाथी रोग दूरीकरण मुहिम कल से नागपुर जिले के 6 तहसील और शहर के 5 विभागों में शुरू की जा रही है, जिससे लोगों में इस रोग संबंध में जन जागृति हो, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। राष्ट्रीय कीटक जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हाथी रोग दूरीकरण अभियान की शुरुआत कल से की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों में इस रोग के प्रति जन जागृति हो, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है जो मच्छर के काटने से होती है, लेकिन जल्द समझ नहीं आती, इसलिए लोगों में इसके प्रति जागृति हो ताकि इस बीमारी का फैलाव ना हो। टैबलेट DEC और टैबलेट आइवरमेक्टिन लेके जाने वाली है और ये तीनों गोलियां उनको अपने समक्ष खाना खाने के बाद खिलाने वाली है। ये जो गोलियां है ये काफ़ी प्रभावी है और हाथी रोग का जो जंतु अपने शरीर में हो सकता है उसको पूरे तरीके से ख़त्म करने में काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस हिसाब से हमारा ये कार्यक्रम चलने वाला है और पूरे 8 या 9 दिन में हम लोग सारी पॉपुलेशन कवर करके हत्ती रोग निर्मूलन की कार्यवाही करने वाले हैं। फाइलेरिया विभाग की ओर से आशा वर्कर्स, NGO के कार्यकर्ता और हेल्थ वर्कर्स की सहायता से इस बीमारी की जन जागृति की जाएगी, साथ ही नागरिकों को दवाई भी दी जाएगी, जिसे लेने की अपील भी पत्र परिषद के दौरान की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।